بسم الله الرحمن الرحيم लेसन के फायदे पार्ट नंबर 3 तीसरा हिस्सा, यानी दो हिस्से पहले मैं अपने वीडियो में बयान कर चुका हूँ, तो मैं अब इसका बकिया हिस्सा जो है ना इस वीडियो में बयान करना चाह रहा हूँ। तो निज़ाम इन हज़ाम की बेहतरी के लिए लेसन का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। ये निज़ाम में इन हज़ाम को बेहतर करता है, अंदरियों में जमा हवा को खारिज करता है। इसके लिए चार जो है ना कलियाँ लहसुन की सुबह रोज़ाना खानी चाहिए। पेशाब की रुकावट को दूर करता है। लहसुन को पीस कर इसकी प्लेट्स जो है ना ज़ेरे नाफ बांधने से लगाने से पेशाब रुका हुआ पेशाब खुल के आ जाता है। इसी तरह तेज़ बुखार की हालत में लहसुन को कूट कर थोड़ा सा पोटली बनाकर सूंघा जाए तो बुखार की शिद्दत कम हो जाती है, बुखार डाउन हो जाता है। इसी तरह लहसुन का रस दोपहर सुबह शाम दोपहर 3 बार पिलाने से बुखार ख़त्म हो जाता है। मलेरिया बुखार की सूरत में, क्योंकि मलेरिया बुखार की एक रूटीन होती है, एक रोज़ाना एक टाइम पर आता है, तो उसकी सूरत में पाँव के टखनों पर नाखनों पर लहसुन का रस मसला जाए, लहसुन पीस कर मसला जाए तो बुखार नहीं होता। बुखार के वक्त अगर इसको मसला जाए, मलेरिया बुखार जिस टाइम पे होता है उस टाइम पे इसको मसला जाए तो मलेरिया बुखार नहीं होता। इसकी मज़ीद बेहतरी के लिए तिल के तेल में लहसुन का रस मिलाकर एक एक कतरा ज़बान पर डाला जाए और चूसा जाए तो इससे भी मलेरिया बुखार दूर हो जाता है और बुखार में रिलीफ मिलता है। इसी तरह लकवे के मरीज़ों के लिए लहसुन का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। लकवा जिस्म के एक हिस्से की तरफ होता है। लहसुन पीस कर दूध में खीर बना लें और खीर की तरह गाढ़ा होने पर उतार लें, फिर ये रोज़ाना लकवे वाले मरीज़ को खिलाएं तो इंशाअल्लाह ताला लकवा 2-3 दिन में ही बेहतर हो जाएगा मरीज़। इसका दूसरा नुस्खा ये है कि 250 ग्राम लहसुन पीस कर 500 ग्राम सरसों के तेल में मिलाकर कढ़ाई में गरम करें। जब तेल बाकी रह जाए तो इसको उतार कर छान कर 1 माह तक लकवे के मरीज़ की मालिश की जाए इस तेल से, तो लकवे का मरीज़ ठीक हो जाता है। इसका तीसरा नुस्खा ये है कि 7 कलियां लहसुन पीस कर 1 चम्मच मक्खन में मिलाकर लकवे के मरीज़ को खिलाएं। 7 अजवे जो है ना टुकड़े जो है ना लहसुन के पीस कर 1 चम्मच मक्खन में मिलाकर लकवे के मरीज़ को रोज़ाना खिलाएं तो लकवा जल्द ठीक हो जाता है। इसी तरह टूटी हुई हड्डी के लिए, अगर किसी की हड्डी टूट गई हो उसके लिए और हड्डी उस जगह से हट गई हो, हड्डी की ख़राबी को दूर करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन की 6 बूंदें 4 चम्मच पानी में डालकर रोज़ाना पीने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसी तरह नज़ला ज़ुकाम की सूरत में लहसुन के हरे पत्ते या लहसुन की जो है कांचे उनको पीस कर पोटली में डालकर सूंघा जाए तो नज़ला ज़ुकाम से फौरन रिलीफ मिलता है। लहसुन बेसिकली एंटीबायोटिक के काम करता है। अगर दांत में दर्द हो, लहसुन का रस दांत में लगाया जाए या लहसुन को दांत पर मसला जाए तो दांत के दर्द से रिलीफ मिलता है। ये दांत के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह मुख्तलिफ एलर्जी की सूरत में लहसुन के रस को पानी वाले टब में 1 चम्मच डाला जाए और 7 नीम के पत्ते चंद डालकर गुस्ल किया जाए तो ये एलर्जी के लिए बहुत मुफीद है। एलर्जी का बेहतरीन इलाज है, एलर्जी इससे कंट्रोल होती है। लहसुन के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, यही वजह है कि ये सदियों से हमारे किचन का हिस्सा बना हुआ है। लहसुन खाने को जहाँ लजीज बनाता है, मज़ेदार बनाता है, वहाँ ये मुख्तलिफ बीमारियों से प्रोटेक्ट भी करता है, कुव्वत मुदाफियत बढ़ाता है मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ। लहसुन का इस्तेमाल खाने में बहुत ज़रूरी है। खाने में, हर खाने में जो नमकीन टाइप का है उसमें लहसुन ज़रूर इस्तेमाल किया करें,
ताकि खाना आपकी सेहत के लिए मुफीद रहे, आपके जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफियत मज़ीद बूस्ट होती रहे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे। थैंक्स।